नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भागलपुर पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री ने निर्माणाधीन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का किया निरीक्षण, कहा अगस्त से शुरू होगी ओपीडी सेवा। स्मैक तस्करी के आरोप में गिरफ्तार सिपाही कोर्ट परिसर से हुआ फरार, पुलिस की तत्परता से आरोपी हुआ गिरफ्तार। गंगा दशहरा को लेकर श्रद्धालुओं ने गंगा में लगाई आस्था की डुबकी, मां गंगा किनारों से गूंजता रहा गंगा घाट। देश के 16वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए हुआ तारीखों का ऐलान, 18 जुलाई को होगा मतदान। और तालाब में डूबने से एक बालक की हुई मौत, नहाने के दौरान हुआ हादसा। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय वन पर्यावरण जलवायु परिवर्तन और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने गुरुवार को भागलपुर में निर्माणाधीन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने औषधि विभाग में 20 औषधीय पौधे लगाए, जबकि इसके बाद उन्होंने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल निर्माण को लेकर CPWD के अधीक्षण अभियंता बीके झा से बात की। वहीं इस दौरान मंत्री ने कहा कि अस्पताल में बिजली कनेक्शन जून में लग जाने और जुलाई तक अस्पताल के लिए जरूरी बेड, जांच मशीन समेत सभी उपकरण लगा दिए जाने का भरोसा अधीक्षण अभियंता ने दिया है। मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि अगस्त से ओपीडी का कार्य भी प्रारंभ हो जाएगा और वैश्विक महामारी कोविड के कारण सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के कार्यों में कुछ विलंब हुआ है, लेकिन अब पूरे जोर शोर से कार्य जारी है और जल्द ही लोगों को इसकी सेवा मिल सकेगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि स्वच्छ पवन नील गगन प्रोजेक्ट को लेकर हम सभी आगे बढ़ रहे हैं और उम्मीद है कि जल्द ही यह प्रोजेक्ट साकार हो सकेगा। निरीक्षण के दौरान मंत्री के साथ DM सुब्रत कुमार सेन, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर उमाशंकर सिंह, अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर सीम कुमार दास समेत कई अधिकारी, अभियंता और कर्मी मौजूद रहे। अस्पताल के प्रिंसिपल, सुपरिटेंडेंट, सब लोगों ने जो सम्मिलित रूप से हर एक छोटे छोटे विषयों पर भी वहाँ कैसे उसका समाधान हो, कुछ तो ऑन स्पॉट समाधान हुआ और कुछ अगले एक सप्ताह, 10 दिन 15 दिन, इसलिए हमने एक एक सप्ताह में उसका ये कहा है कि आप रिपोर्ट भेजो और कमिश्नर साहब स्वयं 15 दिन में समीक्षा करके और इसको पूरा कराएंगे। जिलाधिकारी ने भी कई चीज़ों का संज्ञान लिया है और उनके माध्यम से जो चीज़ें तुरंत होना चाहिए, जैसे मैंने कहा बिजली का या और चीज़ें, ये सब कुछ हो जाएगा। इसलिए अगस्त महीने में OPD का ये काम अगस्त के अंत तक, यो पहला सप्ताह का लक्ष्य दिया गया है। भागलपुर नवगछिया के रंगरा थाना क्षेत्र में सोमवार की देर रात स्मैक तस्करी करते हुए पकड़े गए 3 तस्करों को जेल भेजने के पूर्व भागलपुर कोर्ट में पेशी के दौरान आरोपी सिपाही करण राज कोर्ट के बाहर से हथकड़ी समेत फरार हो गया। इसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी जगह वायरलेस और फोन पर मैसेज कर फरार आरोपी का पीछा करते हुए शाकचक पुलिस की मदद से झोपड़पट्टी के पास से दबोच लिया। बताया जा रहा है कि शाकचक थाना के मुंशी रितेश कुमार ने तत्परता दिखाते हुए फरार कैदी को झोपड़पट्टी के पास से पकड़ लिया, जबकि कैदी को भगाने में शामिल उसका चचेरा भाई भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। वहीं पुलिस ने कैदी द्वारा भागने के क्रम में प्रयोग की गई बाइक को भी जब्त कर लिया है। बता दें कि गिरफ्तार स्मैक तस्कर सिपाही करण राज जमुई जिला बल में कार्यरत है और वह पिछले कुछ माह से स्मैक की तस्करी कर रहा था, जिसकी गुप्त सूचना मिलने पर नवगछिया पुलिस ने करण राज के साथ उसके 2 सहयोगियों को भी स्मैक और 42,000 रुपए के साथ गिरफ्तार कर लिया था। कल परसों भोर में 3 व्यक्ति पकड़े गए थे स्मैक के साथ में, भारी मात्रा में स्मैक पकड़ी गई थी, जिसमें SP साहब का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शाम को हुआ था। तो उसमें रंगड़ा थाना में केस दर्ज हुआ था NDPS का और उसी में इनको जेल भेजा जा रहा था। आज कोर्ट गेट से ये भागने का प्रयास किए, बल्कि भाग ही गए थे, फिर पुलिस अलर्ट थी तो इनको पकड़ा गया। ये इनका नाम है करण राज, रहने वाले इस्माइलपुर इट्ठा के हैं और ये नौकरी में थे, बिहार पुलिस में थे, नौकरी में थे
खैर इनकी संलिप्तता उस हस्मैक वाले केस में थी, इसीलिए इनको जेल भेजा जा रहा है। गंगा दशहरा को लेकर देश भर में श्रद्धालुओं के बीच भक्ति और उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। गुरुवार को भागलपुर समेत गंगा सागर और सभी गंगा तटों पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाकर माँ गंगा की पूजा अर्चना की। दरअसल ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष दशमी तिथि को ही माँ गंगा का पृथ्वी पर हस्त नक्षत्र में अवतरण हुआ था और इसी को लेकर प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष दशमी तिथि को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है, जबकि हस्त नक्षत्र में पूजा पाठ और मांगलिक कार्य पूरी तरह सफल माना जाता है। मान्यता है कि गंगा दशहरा के दिन गंगा स्नान करने से मनोकामना पूर्ण होने के साथ मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। गंगा दशहरा पर स्नान के बाद पूजा और दान की भी परंपरा है। वहीं भागलपुर और सुल्तानगंज के पवित्र उत्तरवाहिनी गंगा तट पर स्नान करने श्रद्धालुओं की भारी भीड़ सुबह से ही उमड़ी रही। इस दौरान बिहार झारखंड के अलावा उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ समेत कई पड़ोसी राज्यों और नेपाल से भी हजारों श्रद्धालु उत्तरवाहिनी गंगा पहुंचे और आस्था की डुबकी लगाई। इधर गंगा दशहरा को लेकर सुल्तानगंज उत्तरवाहिनी गंगा तट पर श्रद्धालुओं के लिए प्रशासन की ओर से घाट पर एसडीआरएफ की टीम के साथ गंगा में बैरिकेडिंग, साफ सफाई और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। इस दौरान गंगा स्नान के बाद पुरुष महिला और युवक युवतियों के साथ बच्चों ने भी भक्ति भाव से गंगा स्नान किया, जबकि महिला श्रद्धालुओं ने आम लीची समेत कई फलों को गंगा में चढ़ाकर गरीबों और जरूरतमंदों के बीच दान किया। वहीं इसको लेकर पंडित लाल मोहरिया चुना मुंडा बाबा ने बताया कि अजगैवीनाथ धाम उत्तरवाहिनी गंगा जाहन्वी गंगा के नाम से प्रसिद्ध है और माँ गंगा का पुनर्जन्म अजगैवीनाथ जाहन्वी गंगा में हुआ था, जिसके कारण गंगा दशहरा के दिन यहाँ पर विभिन्न जगहों से भारी संख्या में श्रद्धालुओं और कांवरियों की भीड़ जुटती है। मान्यता है इस स्थान की जाहन्वी ऋषि जो है गंगा को पुनः अपना जांग चीर के अर्थात बेटी बना के जाकर के जो गंगा का जाकर के जो है यहाँ पे पुनरुद्धार किए थे, तो इसलिए यहाँ तो बहुत धूमधाम से गंगा दशहरा होती है, यही महत्व है इस स्थान पे गंगा दशहरा का। चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। दरअसल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई 2022 को समाप्त हो रहा है और इसको देखते हुए भारत निर्वाचन आयोग की ओर से गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देश में राष्ट्रपति चुनाव का ऐलान किया गया। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए आगामी 18 जुलाई को मतदान होगा, जबकि इससे पूर्व 15 जून को चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि 29 जून को नॉमिनेशन की आखिरी तारीख होगी, जिसके बाद देश के 16वें राष्ट्रपति के लिए 18 जुलाई को मतदान होगा और 21 जुलाई को मतगणना के साथ ही परिणाम घोषित हो जाएगा। देश के 15वें राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को पूरा हो जाएगा और इसको लेकर ही भारत के 16वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान किया गया, जिससे तय समय सीमा में नए राष्ट्रपति के चयन की सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। वहीं चुनाव आयोग के अनुसार राष्ट्रपति चुनाव के लिए नॉमिनेशन केवल दिल्ली में ही होगा और राष्ट्रीय राजधानी के अलावा कहीं भी राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार नामांकन नहीं कर सकेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि राष्ट्रपति चुनाव में मतदान के लिए सभी सांसद और राज्य असेंबली के प्रतिनिधि को मत पत्र सौंपते तब वक्त आयोग अपनी तरफ से एक पेन देगा, जिस पेन से मतदाता वोट डाल सकेंगे, जबकि इसके अलावा किसी अन्य पेन का इस्तेमाल करने वाले वोटर का मत अवैध करार दे दिया जाएगा। मतदान की प्रक्रिया सांसद और सभी विधानसभा में होगी, जिसमें कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए चुनाव आयोग के निर्देश अनुसार सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। चुनाव आयोग ने बताया कि 2022 राष्ट्रपति चुनाव में कुल 4,809 मतदाता हिस्सा ले सकेंगे। रसूलपुर थाना क्षेत्र धानोरा गांव निवासी अजय यादव के 12 वर्ष से पुत्र रुपेश कुमार की भैयार के तालाब में डूबने से मौत हो गई। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि पोखर में नहाने के दौरान रुपेश गहरे पानी में चला गया, जिससे डूबकर उसकी मौत हो गई। वहीं इसके बाद ग्रामीणों ने घटना की जानकारी उनके माता पिता को दी, जिसके बाद बदहवास घर वाले पोखर के पास पहुंचे और ग्रामीणों के सहयोग से बच्चे के शव को तालाब से बाहर निकाला। इधर घटना की जानकारी मिलते ही रसूलपुर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर मामले की छानबीन में जुट गई। अब तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क टीवी। आपके नजदीकी शहर बौंसी बिहार में एकमात्र फार्मेसी कॉलेज
मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, जिसमें आपको मिलेगी स्मार्ट क्लास, स्मार्ट लैब और लाइब्रेरी जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं। अब आप भी डी फार्मा और बी फार्मा जैसे फार्मेसी कोर्स कर एक निश्चित सरकारी या गैर सरकारी संस्था में जॉब पा सकते हैं, साथ ही अपना खुद का मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं। इतना ही नहीं, बिहार झारखंड एवं केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अपने बच्चों को इंटर के बाद फार्मेसी कोर्स करवाकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनका स्वर्णिम भविष्य बनाइए। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार के एडीजी कमजोर वर्ग अनिल किशोर यादव नवगछिया न्यू पुलिस लाइन पहुंचे, जहां एडीजी ने गार्ड ऑफ ऑनर से पूर्व मीटिंग हॉल में पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान एडीजी कमजोर वर्ग ने मीटिंग हॉल नवगछिया एसपी शांत कुमार सरोच, एसडीपीओ दिलीप कुमार, मुख्यालय डीएसपी सुनील पांडे, नवगछिया सर्किल इंस्पेक्टर मार्कंडे सिंह, जयपुर सर्किल इंस्पेक्टर विनोद कुमार समेत कई थानाध्यक्ष को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने क्षेत्र में बढ़ते अपराध को लेकर पुलिस मुख्यालय द्वारा मिले 16 बिंदुओं पर समीक्षा बैठक कर पुलिस अधिकारियों को अपराध और आपराधिक गतिविधि पर लगाम लगाने का निर्देश दिया। वहीं इसके बाद एडीजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। पूरी तरह नियंत्रित रहे और अगर कहीं कोई वारदात होती है तो डिटेक्शन तेजी से हो, कार्रवाई तेजी से हो, प्रिवेंटिव एक्शंस भी हो और कमजोर वर्गों के विरुद्ध जो अपराध है उसमें भी त्वरित कार्रवाई हो, तो इन सब बिंदुओं पर समीक्षा की गई। और कहीं किन्हीं किन्हीं केसेस में है कि कहीं प्रगति उतना तेजी से नहीं आई है तो उसमें निर्देशित किया गया और ये जल्दी कर। बिहार राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष विद्यानंद विकल ने अपने भागलपुर दौरे पर अधिकारियों के साथ बैठक कर कई बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। इसको लेकर राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष ने भागलपुर सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पोषाहार और पोषण से संबंधित कई बिंदुओं पर अपनी बात रखी। अध्यक्ष विद्यानंद विकल ने जन वितरण प्रणाली को सुगमता से चलाने को लेकर दिशा निर्देश देते हुए कहा कि राशन कार्ड से संबंधित कई बिंदुओं पर आयोग ने निर्णय लिया है, जिसमें विभागीय स्तर पर इसकी जांच कराकर वैसे लोगों का नाम राशन कार्ड से हटाने का कार्य करेगी जिनकी मृत्यु हो चुकी है। वहीं उन्होंने नए राशन कार्ड बनाने को लेकर कहा कि अब राशन कार्ड के रूप में स्मार्ट कार्ड बनाया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि भागलपुर में राशन कार्ड के 5,71,440 लाभुक हैं और 20,641 राशन कार्ड को रद्द किया गया है। साथ ही कहा कि फिलहाल 1,291 पीडीएस डीलर है, जबकि 300 डीलरों की बहाली भी जल्द ही की जाएगी। आज हम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत बिहार में जो स्कीम चल रहे हैं, पोषाहार और पोषण से जुड़े हुए जितने स्कीम हैं उसकी हमने समीक्षा किया है। अभी जो मीटिंग हुई है जन वितरण और खासकर खाद आपूर्ति और उससे जुड़ा हुआ जो है एसएफसी के अधिकारियों के साथ अभी मीटिंग किया और एक सकारात्मक मीटिंग हुई और काम भी जो है जो रिव्यू हमने किया है उसमें बेहतर किस्म के काम यहाँ पर विभाग के माध्यम से किया जा रहा है। इसमें जो मूल रूप से बात आ रही है राशन कार्ड की, तो एक सवाल हमारे पास आता है कि राशन कार्ड में फर्जीवाड़ा है, वैसे लोग जो अपात्र हैं ले रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि विभागीय स्तर पर चार बिंदु पर एक रिव्यू चल रहा है जिनका डेथ हो गया है और नाम उनके अभी पोस्ट मशीन में है, उसको हटाने के लिए डिलीट करने के लिए वो चिन्हित किया जा रहा है, नोटिस हो रहा है। भागलपुर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन बुधवार को नवगछिया पहुंचे, जहां डीएम ने जगतपुर झील का निरीक्षण कर पदाधिकारियों और कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। वहीं इसको लेकर जिलाधिकारी ने कहा कि जगतपुर झील को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा, जबकि वर्तमान में पूरा कार्य मनरेगा के द्वारा कराया जा रहा है। डीएम ने कहा कि पहले झील की सफाई करवाकर झील के पानी के स्रोत को जागृत किया जाएगा, जिसके बाद विभिन्न पोखरों के चारों ओर पौधारोपण कराया जाएगा। साथ ही कहा कि इसके बाद झील में बोटिंग और अन्य सुविधाओं की भी व्यवस्था की जाएगी जिससे पर्यटक इसका आनंद ले सके। वहीं इस दौरान जिलाधिकारी ने नवगछिया अनुमंडल न्यायालय और अनुमंडल कार्यालय का भी औचक निरीक्षण किया और कागजातों की बारीकी से जांच के बाद उन्होंने अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यों की जमकर प्रशंसा की। डीएम ने कहा कि कैश बुक में कुछ त्रुटि पाई गई है जिसमें सुधार करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा डीएम ने नवगछिया अनुमंडल मुख्यालय परिसर में नया अनुमंडल कार्यालय भवन और सर्किट हाउस निर्माण प्रक्रिया का भी अवलोकन किया। मौके पर
डीडीसी प्रतिभा रानी, अपर समाहर्ता राजेश झा राजा, नवगछे एसडीओ यतेंद्र कुमार पार, डीसीएलआर परमानंद शाह समेत नवगछे के कई पदाधिकारी और कर्मी मौजूद रहे। आकर के अनुमंडल कार्यालय का को देखा और एसडीओ साहब के कोर्ट का निरीक्षण भी जो है तो मेरे द्वारा किया गया, तो काफ़ी अच्छी स्थिति है। रिकॉर्ड वगैरह का संधारण प्रॉपर तरीके से किया गया है और जो आदेश फलक वगैरह भी है वो ढंग से उसको लिखा भी गया है और प्रॉपर मेंटेन किया गया है, तो ये जो है प्रशंसनीय है हमारे यहाँ पर। और इसके अतिरिक्त जो कैशबुक वगैरह में कुछ जो कमियाँ हैं उसको सुधार करने के लिए बोल दिया गया है। इसके अतिरिक्त जो नवगछिया में आप देख रहे हैं कि नया अनुमंडल का भवन, इसमें एसडीओ एसडीपीओ दोनों का रहेगा, तो वो भवन बन रहा है, तो उसको भी हम लोगों ने देखा है। और जो यहाँ पदाधिकारियों के लिए क्वार्टर है, ये उद्घाटन के बाद ये भी बंद पड़ा हुआ था, इसको हम लोगों ने पिछले विजिट में पदाधिकारियों को शिफ्ट करा करके शुरू करवाया है। भागलपुर सुल्तानगंज प्रखंड के उधाड़ी गांव वार्ड संख्या 9 में 2020-21 मनरेगा योजनाओं के तहत निजी जमीन पर लगाए गए कई वृक्षों को असामाजिक तत्वों द्वारा काट दिए जाने का मामला प्रकाश में आया है। वहीं इसको लेकर जमीन मालिक विजय सिंह ने बताया कि उन्होंने अपनी जमीन पर जल जीवन हरियाली मनरेगा योजना के तहत 200 वृक्ष लगवाया था, जिसमें से बीती देर रात गाँव के असामाजिक तत्वों द्वारा 40 वृक्ष काट दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि एक दिन पूर्व बकरी चराने के दौरान झिगू सिंह के पुत्र सुरेंद्र सिंह और उत्तम सिंह से विवाद होने पर देख लेने की धमकी दी थी और दूसरे दिन ही देर रात सुरेंद्र सिंह एवं उत्तम सिंह ने मिलकर उसके 40 वृक्ष को काट दिया। साथ ही उन्होंने बताया कि इस मामले की जानकारी सुल्तानगंज सीओ, वीडियो थाना प्रभारी और कार्यक्रम पदाधिकारी को देकर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की गई है। यह जो है विजय सिंह का यह जमीन है जी जी। और मनरेगा से जो है इसको वृक्षारोपण जो है कराया गया था और रात में गाछ जो है काट दिया गया है। हमारे ग्राम कचहरी में विजय सिंह ने जो है आवेदन दिया है और थाना प्रभारी को, अंचलाधिकारी को, वीडियो साहब को और पीओ साहब को, मनरेगा को, मैंने सबको सूचना दे दिए हैं और वो बोले हैं कि आएंगे। आवेदन भी दे दिया गया। हाँ, आवेदन भी दे दिया गया। किनके द्वारा ये काटा गया है? यह जो है सुरेंद्र सिंह का नाम आ रहा है, सुरेंद्र सिंह के लड़का का है, तो हम देख लेते हैं उसको, मैंने सुरेंद्र सिंह का लड़का का नाम अभी हम भूल रहे हैं, हम बता देंगे। धौरैया प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत सिझत पलियास पंचायत स्थित भतुआ चक बखड्डा गांव में बुधवार को बिजली के शॉर्ट सर्किट से एक ही परिवार के 4 घर जलकर खाक हो गए। वहीं आगजनी की घटना के बाद आसपास के लोग कुछ समझ पाते, इससे पूर्व आग काफी तेजी से फैल गई और देखते ही देखते चारों घरों को अपनी चपेट में ले ली। इसके बाद लोगों की चीख पुकार सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने का प्रयास करने लगे, लेकिन तब तक चारों घरों के अनाज समेत सारा सामान जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि इस आग की चपेट में गोविंद कुमार, शंकुतला देवी और रामेश्वर तांती बुरी तरह झुलस गए हैं, जिसे इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धौरैया ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए सभी घायलों को भागलपुर के माइंग अस्पताल रेफर कर दिया। हमारे पंचायत भतुआ चक बखड्डा में शॉर्ट सर्किट की वजह से रामेश्वर तांती के घर में आग लग गई। इनकी पत्नी जो चल नहीं सकती है, इनका नाम शकुंतला देवी है, और ये बेचारी पांव से मजबूर थी। आग लगने से जो लौ नीचे गिरा उसके वजह से सारा शरीर इसका झुलस गया। मैंने अंचलाधिकारी को भी इसकी जानकारी दी, हमारा फ़ोन उनको रिसीव नहीं हुआ। मैंने पटना वीडियो साहब थे बाहर, उनको भी मैंने जानकारी किया। और अंत में चलते चलते फिर से एक नज़र आज की हेडलाइंस पर। भागलपुर पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री ने निर्माणाधीन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का किया निरीक्षण, कहा अगस्त से शुरू होगी ओपीडी सेवा। स्मैक तस्करी के आरोप में गिरफ्तार सिपाही कोर्ट परिसर से हुआ फरार, पुलिस की तत्परता से आरोपी हुआ गिरफ्तार। गंगा दशहरा को लेकर श्रद्धालुओं ने गंगा में लगाई आस्था की डुबकी, माँ गंगा किनारों से गूंजता रहा गंगा घाट। देश के 16वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए हुआ तारीखों का ऐलान, 18 जुलाई को होगा मतदान। और तालाब में डूबने से एक बालक की हुई मौत, नहाने के दौरान हुआ हादसा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।